तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि Realme 2 ने हमारा भरोसा तो तोड़ा ही है और उसे डाउनग्रेड कर दिया गया था। Realme 1 जो था वो अभी भी Realme 2 से बहुत अच्छा है, तो Realme 2 जो है वो डाउनग्रेड वर्जन ही हम कहेंगे। तो Realme 2 Pro आने वाला दोस्तों, ये है एक बहुत ही खतरनाक फोन होने वाला। तो आइए हम बात करते हैं इसके कुछ रूमर्स और लीक्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीच न्यू टुडे में। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब और इस बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना ताकि फ्यूचर में आने वाली मेरे इस चैनल के वीडियोस को आप मिस ना कर पाओ। दोस्तों जो कुछ भी आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो बिल्कुल भी 100% नेट वाला है, यानी कि इंटरनेट पे बेस्ड है। यहाँ पे आपको फेक कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो फेक नहीं मिलने वाला है। तो ओप्पो Realme 2 Pro बहुत अच्छे से वेट कर रहे होगे आप, तो कैसा होगा, स्पेसिफिकेशंस कैसी होगी, तो आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और ये धांसू फ़ोन की जो स्पेसिफिकेशंस है वो भी धांसू है। तो सबसे बड़ी बात है इसका जो डिस्प्ले होने वाला है, लुक होने वाला है, वो ओप्पो के F9 जैसा 60-70% हो सकता है। तो आप सोचो कि आपको एक वाटर ड्रॉप डिस्प्ले मिलने वाला है और एक अच्छा सा बैक मिलने वाला है, जो कि आपको Realme 2 जैसा हाल एकदम सेम मिलने वाला है, Realme 2 जैसा, और आपको चेंजेस नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको एडिशनल शायद से मुझे लगता है कि वाटर ड्रॉप डिस्प्ले मिल जाए। कैमरा बारे में बात की जाए तो यहाँ पे 13+5 मेगापिक्सल का है और फ्रंट कैमरा यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का है। परफॉर्मेंस यहाँ पे थोड़ा झंझट मारी है। यहाँ पे आपको क्लेम करने वाले हैं 645 भी क्लेम हो रहे हैं और P60 भी क्लेम हो रहा है, तो दोनों में से कौन सा भी हो सकता है। दोनों ही प्रोसेसर काफ़ी अच्छे हैं पर P60 ज़्यादा पावरफुल है ज़्यादा सही में। और अगर बात की जाए बैटरी बैकअप के बारे में तो इसमें आपको बहुत ही धांसू बैटरी बैकअप मिलने वाली है दोस्तों। जी हाँ, इसमें आपको मिलने वाला 4350 mAh की बैटरी। जी हाँ दोस्तों, आप सोचो कि Realme 1 ने Redmi Note 5 Pro को हराया था, वो भी P60 के दम पे, 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के दम पे। तो आप सोचिए कि 4350 mAh 3150 mAh के हिसाब से कितनी पावरफुल होगी। सो अगर बात की जाए इसके एंड्रॉयड वर्जन और इसके स्क्रीन के बारे में, यानी कि यूज़र इंटरफेस के बारे में, तो वो भी आपको अच्छे मिलने वाले हैं। अगर बात की जाए, हालांकि बहुत सारे फ़ोन्स में तो आपको एंड्रॉयड ओ मिल रहा है, यानी कि ओरियो मिल रहा है, तो आपको एक्सेप्टेशन है कि ये ओरियो ही हो। 15,000 के प्राइस में आपको ओरियो ही मिलेगा, पी तो शायद से मुझे लगता है मिल जाए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ये वीडियो एक इंटरनेट बेस्ड वीडियो, यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशंस और जो भी मिलते हैं वो रूमर्स है, यानी कि 100% आपको यहाँ पे सच्चाई नहीं है, कुछ झूठ भी हो सकते हैं, क्योंकि ये वेबसाइट्स क्लेम करते हैं तो हमें बताना पड़ता है, क्योंकि वो भी कंपनी से कॉन्टैक्ट में रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप बताना कि क्या आपको कंपैरिजन चाहिए।